मुस्लिम प्राणी की नागरिकता नहीं है, लेकिन जो ये प्राणी आवागमन बना लेते हैं, इनके द्वारा जो कोरोना उत्पन्न होता है, हिंदू तीर्थ की जो गंदगी उत्पन्न होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश हित नजर, मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। 2022 विधानसभा का चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है, ऐसे में कोई दल शिलान्यास पे शिलान्यास कराया जा रहा है, तो कोई दल भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को अपना मुद्दा बना रहा है, तो कोई गारंटी पे गारंटी दिए जा रहा है। आपका नाम? मैं सुनील कुमार जी बोल रहा हूँ। सुनील कुमार जी, आपने अभी हमसे कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? कहना यह चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो दरअसल हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने हरिद्वार में काफ़ी सुविधा दी है, लेकिन एक सुविधा मैं ये देख रहा हूँ जो कि यहाँ पे मुस्लिम की नागरिकता नहीं है, वो तो ठीक है, मुस्लिम प्राणी की नागरिकता नहीं है वो ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन जो ये प्राणी आवागमन बना लेते हैं, साग सब्जी बेचते हैं और तमाम सवाल नमकीन बेचते हैं और मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, चार समाज बैठ जाते हैं, इनके द्वारा जो कोरोना उत्पन्न होता है, हिंदू तीर्थ की जो गंदगी उत्पन्न होती है, तो ये गंदगी मैं आपके माध्यम से उन तक पहुँचा। आपको ये लगता है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो कोरोना फैला रहे हैं? जी, हमको यही लग रहा है, क्योंकि भाई कोरोना किसी की जात धर्म देख के नहीं आता है, कोरोना सिर्फ लगता है, जरूरी नहीं है कि एक मुस्लिम समुदाय का बंदा कोरोना फैला रहा है। देखिए, कोरोना किसी को भी हो सकता है और कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या वो ईसाई हो, किसी के भी माध्यम से कोरोना आपको लग सकता है, ऐसा नहीं है, ये आपकी मानसिकता है, आपकी शंका है, क्योंकि चूंकि उनकी क्या चाहते हैं कि हरिद्वार से मुस्लिम जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, नामों निशान हटा दिया जाए, मुस्लिम प्राणी का आवागमन उनका बंद किया जाए। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा कि जो हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है, हिंदू प्राणी आवागमन करें, भगवान का पूजा करें, विनती करें, और मुस्लिम प्राणी के जो आपका नाम? जी, मेरा नाम अमित कुमार है। तो आपको क्या लगता है, आप कितना सहमत इनकी बात? मैं सहमत नहीं हूँ आप बात से, ये कोरोना जो हो रहा है, ये हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा है, हम मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से संपर्क ज़्यादा लगा रहे हैं, अगर हम कोरोना को हटाना चाहेंगे, कोरोना को खत्म करना चाहेंगे, तो हमें दूरी बनानी चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। सर एक मिनट, आप ये बताइए, आप वोट किसको देंगे? वोट तो हमारा बीजेपी, में कट्टरवादी हिंदू हूँ। कट्टरवादी? यस सर, मैं आज से नहीं 20 साल, विकास हो या ना हो बीजेपी को दोगे? हो या ना हो ये मेरा वादा है। सरेंडर जितना महंगा हो बीजेपी को वोट भी हो, मैं कट्टरवादी हिंदू भगत पुजारी हूँ, लेकिन हरिद्वार में मैं ये चाहना चाहता हूँ जो हिंदू प्राणी का एलो है वही आवे, वही ठीक है।